लगातार पिछले दो हफ्ते से जब से मूसलाधार बारिश और जो किछा नदी के पुल कटने की वजह से जो पानी में उफान था किछा नदी के अंदर, उसके आसपास के जो नदियां थीं उसके ओवरफ्लो होने की वजह से आसपास के गांव में जो है फसलें पूरी तरीके से तबाह हो गई, जिनमें परेवा था, धमीपुर था, पाकौली था, हररपुर था, उनई खालसा, और आज हम खड़े हैं जो ग्राम राट भुजिया राट के अंदर। ज़्यादातर लोगों से बात हुई है कि उनकी पूरी की पूरी धान की फसल ख़राब हो चुकी है, लेकिन यहाँ अभी तक कोई भी लेखपाल घूमने या कोई सर्वे करने नहीं आया है। देखो संभल के ले लो, तुम लोग चले जाओ, आप भी चले जाओ, आप भी चले जाओ, तू घबरा डर क्यों रहे हो, आराम से चाचा को ले लो, चाचा चाचा आओ आगे आ जाओ, पलंग पलंग फिर न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूँ संजीव गंभीर। पेश है हमारी आज की खास रिपोर्ट। हमारा चैनल अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। हाँ, किसी ऐप पर देख रहे हो तो प्लीज फॉलो कीजिए। देखिए रिपोर्ट। नसीम जी, आप लगातार गाँव का दौरा कर रहे हैं, आज आप यहाँ राठ में आए, क्या हालात हैं यहाँ के? देखिए, लगातार पिछले दो हफ्ते से जब से मूसलाधार बारिश और जो किछा नदी के पुल कटने की वजह से जो पानी में उफान था किछा नदी के अंदर, उसके आसपास के जो नदियाँ थीं उसके ओवरफ्लो होने की वजह से आसपास के गांव में जो है फसलें पूरी तरीके से तबाह हो गई, जिनमें परेवा था, धमीपुर था, पाकौली था, हररपुर था, उनई खालसा, और आज हम खड़े हैं जो ग्राम राट भुजिया राट के अंदर। ज़्यादातर लोगों से बात हुई है कि उनकी पूरी की पूरी धान की फसल ख़राब हो चुकी है, लेकिन यहाँ अभी तक कोई भी लेखपाल घूमने या कोई सर्वे करने नहीं आया है। मैं पूछना चाहता हूँ सरकार से, एक तरफ तो मुआवजे की रकम इतनी कम है कि जो 13,000 रुपये एक हेक्टर और दो हेक्टर का दे रही है वो 300-400 रुपये में जो बीघा उन्हें मिलेगा, इतने उनके चक्कर तहसील लग जाएंगे लेखपाल के पास उनको उस पैसे को वसूल करने के लिए। दूसरी तरफ एक तरफ खाद का रेट बढ़ा हुआ है, डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़े हुए हैं, और उधर ये महंगाई की मार साथ में आज खाने का तेल 200 रुपये, और उधर किसानों को मुआवजा ऊँट के मुंह में जीरे के बराबर है। हम सरकार से सिर्फ यही कहना चाहते हैं कि आपने जो 4.5 साल योगी जी यहाँ राज किया, किसानों की आप जो विरोध में रहे उसका जवाब जनता 2022 के चुनाव में देगी, क्योंकि 2022 में वो बेरोजगार जिनको नौकरी आपने नहीं दी, वो महिलाएं जो हमारी बाल्मीकि महिला थी जिसके साथ रेप हुआ और उसके बाद उसका अंतिम संस्कार हाथरस के अंदर आपने बगैर उसकी परिवारजन के कर दिया, वो आपके जो लोग हैं जो आज जगह जगह आपने कहा था हम गड्ढा मुक्त करेंगे, जिन लोगों को आपने रोड बनाने का वादा किया था, आज आप हालत देख लीजिए बहेड़ी में, खास तरीके से मौजूदा जो छत्रपाल विधायक जी हैं वो देख लीजिए, फरीदपुर रोड को देख लीजिए, आप कताई मिल रोड को देख लीजिए, और जब किसान धरने पर गए तो उन्होंने कहा कि ये किसान नहीं है बल्कि ये लोग शराब पीने के लिए वहाँ गाजीपुर जाते हैं। मैं कहता हूँ कि ऐसे विधायक को और ऐसी सरकार को हम लोग 2022 में उखाड़ फेंकेंगे। मेरा नाम कमल है। किस गांव में रहते हैं? मैं ग्राम राठ रहता हूँ। यहाँ जो बाढ़ का पानी आया था उससे क्या क्या नुकसान हुआ है? यहाँ बहुत सारा नुकसान हुआ है, यहाँ पे हमारा लहाई बोई थी वो भी सारी ख़त्म हो गई, धान तो पहले ही ख़त्म हो गए बाढ़ से, और यहाँ पर कोई नहीं आया, यहाँ पे हमारे नसीब भाई आए हैं और देख रहे हैं यहाँ के हालात। यहाँ पर आज तक ना कोई छत्रपाल जी नहीं आए, यहाँ के जो विधायक हैं मैनुजा बहड़ी के, और यहाँ पर नसीम भाई आए हमारे देख रहे हैं, और यहाँ तक अभी तक छत्रपाल जी ने ये नहीं कहा है कि यहाँ पर कोई लेखपाल जी को भेज दें दिखाने के लिए जो नुकसान हुआ है हमारा। और नसीम भाई हमारे यहाँ पर 2 बार हो गए और अब आए हैं, जब बाढ़ कर जो बाढ़ से जो हमारा नुकसान हुआ है वो हाल चाल पूछने आए हैं, और हम ऐसी जाति से हैं और हमारा पक्ष कर रहे हैं वो लोग आके। किसान विरोधी है सरकार।